और क्या बिहार में सुशासन व्यवस्था चरमरा गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधियों का पता पुलिस से पूछने के बजाय नीतीश कुमार पत्रकारों से पूछ रहे हैं। मैं रोटी पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मेरी मम्मा को अंदर से डर है। सुना आपने, ये रुपेश की बेटी है। छपरा में रुपेश के घर वालों से मिलने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से बिटिया कह रही है कि मैं रोती लेकिन रो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं रोती तो मम्मा को बुरा लगेगा। वो अपने पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसे लगता है कि उसकी सुनी जाएगी, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो सुशासन के मुखिया हैं, जो राज्य की सुरक्षा का एक बाल बुलंद करने की आवाज उठाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ये सूबे के शिरोमणि सुशासन बाबू हैं। इनके पास राज्य के सत्ता की गद्दी है, पुलिस महकमे की ताकत है, राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और वो पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता तो बताना चाहिए। कमाल है, ऐसी मासूमियत साल भर के बच्चे में भी नहीं पाई जाती जितनी मासूमियत से नीतीश कुमार हत्या का कारक खोज रहे हैं और पहले क्या होता था इसकी दुहाई की आड़ में छिप रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।